चार बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजी जा चुकी एक्ट्रेस कंगना रनौत को हाल ही में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह सेरेमनी न्यू दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में हुई, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में योगदान देने वाली कई हस्तियों को सम्मानित किया गया। कंगना को सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस दौरान कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली चंदेल भी मौजूद थी। कंगना को स्वयं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस दौरान कंगना को प्रशस्ति पत्र के साथ पद्मश्री अवार्ड दिया गया। अवार्ड सेरेमनी के लिए कंगना रनौत ने सिल्क कलर की साड़ी पहनी थी, इसी के साथ कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स पहने उन्होंने अपने बालों का बन बनाया हुआ था। कंगना को यह अवार्ड उन्हें परफॉर्मेंस कला में विशिष्ट योगदान देने के लिए मिला है। कंगना ने अपने सोशल मीडिया पर यह अवार्ड पाने की खुशी जाहिर की है। इससे पहले भी कंगना को चार बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। पद्मश्री अवार्ड मिलने पर कंगना रनौत ने कहा था, मैं खुश हूँ और सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मैं अपने देश को इस सम्मान के लिए धन्यवाद देती हूँ और मैं इसे हर उस महिला को समर्पित करती हूँ जो सपने देखने की हिम्मत करती है। हर बेटी को, हर माँ को और उन महिलाओं के सपनों के लिए जो हमारे देश के भविष्य को आकार देगी। दोस्तों, एक कलाकार के नाते मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान, प्यार, अक्नॉलेजमेंट, पुरस्कार बहुत मिले हैं, लेकिन आज पहली बार लाइफ में मुझे एक नागरिक होने के नाते, एक आदर्श नागरिक होने के नाते पुरस्कार मिला है, पद्मश्री, इस देश से, इस गवर्नमेंट से। और मैं आभारी हूँ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था छोटी उम्र में, तो काफ़ी लंबे समय तक मुझे सफलता नहीं मिली। 8-10 सालों बाद जब मुझे सफलता मिली, तो मैंने उस सफलता का मज़ा ना लेते हुए जिन चीज़ों पे काम करना शुरू किया, कई तरह के जो फेमस प्रोडक्ट्स हैं उनको मना किया, उनका बहिष्कार किया, आइटम नंबर्स का बहिष्कार किया, बड़े बड़े हीरो की फिल्मों में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम करने से मना कर दिया, बहुत सारा दुश्मन भी बनाए, पैसे से ज़्यादा दुश्मन बनाए। और फिर जब और ज़्यादा जागरूकता आई देश को लेके, तो देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ, फिर चाहे वो जिहादी हों या खालिस्तानी हों या दुश्मन देश हों, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। और ना जाने कितने केसेस अभी भी मुझ पर हैं, और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मिलता है ये सब करके, क्यों करती हो, क्यों ये सब करती हो, जो तुम्हारा काम नहीं है। तो उन लोगों का आज मुझे ये जवाब मिला है कि ये पद्मश्री के रूप में जो मुझे सम्मान मिला है, ये बहुत लोगों के मुंह बंद करेगा। तो बहुत दिल से मैं इस देश का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। वही अपने पद्मश्री मिलने वाले दिन कंगना बतौर प्रोड्यूसर अपनी नई जर्नी भी शुरू कर रही है, जो कि उनके लिए काफी स्पेशल है। कंगना ने पिछले साल अपनी प्रोडक्शन कंपनी मणिकर्णिका फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की और अपने प्रोडक्शन कंपनी की पहली फिल्म कंगना नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर के साथ बना रही है। इसी के साथ कंगना ने अपने प्रोडक्शन की पहली फिल्म टीकू वेट शेरू के पोस्टर भी रिलीज कर दिए हैं। हम कंगना रनौत को पद्मश्री मिलने के लिए ढेर सारी बधाई देते हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।